पूरी दुनिया के बच्चों के बीच में एक खेल बहुत ही मशहूर है, जिसे चाइनीज विस्पर्स के नाम से जानते हैं। इसमें होता यह है कि कुछ बच्चों को एक लाइन में या गोला बनाकर खड़ा कर दिया जाता है और एक ओर से पहले बच्चे के कान में कोई इंफॉर्मेशन धीरे से डाल दी जाती है। अब बच्चे को करना यह होता है कि उस इंफॉर्मेशन को अगले बच्चे के कान में बोलना होता है। यही प्रोसेस आगे चलती है और आखिरी छोर पर खड़े बच्चे से वही इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि जो इंफॉर्मेशन शुरू में दी गई थी वो आखिरी तक बदल जाती है। ठीक ऐसा ही हो रहा है हमारे जीवन में। कोई भी न्यूज़, कोई भी फैक्ट इतनी जगह से घूम कर हम तक पहुंचता है कि हमें पता ही नहीं होता उसमें कितनी सच्चाई है या कितनी मिलावट है। खासकर नई चीज़ों के साथ, जैसे क्रिप्टो करेंसी, उसे लेकर लोग ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं फिर भी अपना ओपिनियन बना ले रहे हैं। इस चक्कर में क्रिप्टो को लेकर ढेरों भ्रम फैल गए हैं चारों तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं देश के सबसे भरोसेमंद क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमने इन्हीं क्रिप्टो को जो लेकर भ्रम फैले हुए हैं उसे खत्म करने के लिए ही बनाई हुई है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिए ताकि हम इधर वीडियो डालें उधर आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सबसे पहला भ्रम, क्रिप्टो इंडिया में बैन है, लेके करेंगे क्या, पैसा फंस जाएगा। जी नहीं, क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में बैन नहीं है, इसमें कोई भी कभी भी इन्वेस्ट कर सकता है। देखिए, ये सही बात है कि 2018 में RBI ने इसकी लेन देन पर रोक लगा दी थी, लेकिन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन की एक PIL पे डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन मार्च 2020 में हटा लिया और बोला कि बैन में लगाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक है। क्रिप्टो को लेकर नियम कानून बनाइए पर बैन ना करिए। और तब से आज की डेट तक इसमें ट्रेडिंग चल रही है। 2021 के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार दुनिया में तेजी से क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दूसरे नंबर पर आता है। बाकी आगे भविष्य के लिए सरकार और RBI इसको लेकर नियम कानून बनाने में भी लगे हुए हैं और कई बार हमारी वित्त मंत्री ने भी इसको लेकर रूल रेगुलेशन बनाने की मंशा दिखाई है। तो क्रिप्टो इंडिया में बैन नहीं है, अनरेगुलेटेड है। दूसरा भ्रम है कि सेफ नहीं है, फ्रॉड होते हैं, ये खुद अपने आप में एक स्कैम है। देखिए, बिना जाने समझे लोग इसको स्कैम बोल देते हैं, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उसकी वजह ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम है और भी हैं, ये सब रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करने पर लगी हुई हैं, मतलब जो सिस्टम की पावर चंद लोगों के हाथों में है उसे सभी लोगों में दे रही हैं। और बड़े बड़े लोग जैसे अमिताभ बच्चन, बिल गेट्स वगैरह इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे गाँव शहरों से भी लोग इसमें अपना पैसा डाल रहे हैं। कॉइनस्विच कुबेर पर ही अकेले 1 करोड़ से ज़्यादा लोग क्रिप्टो खरीद और बेच रहे हैं, तो स्कैम तो नहीं लग रहा है दोस्त। रही बात सेफ्टी की, तो सेफ्टी में क्रिप्टो का तोड़ नहीं है क्योंकि ये ब्लॉकचेन सिस्टम पर काम करती है। अब ये क्या है, देखिए उसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से देख लीजिएगा। अभी मोटा मोटी ये समझिए कि ब्लॉकचेन एक तरह का डिजिटल बही खाता होता है जिसमें क्रिप्टो के लेन देन रिकॉर्ड होते हैं और उस रिकॉर्ड की एक कॉपी उस ब्लॉकचेन नेटवर्क के हर कंप्यूटर के पास होती है जहां से उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। अगर उसमें कोई छेड़छाड़ या चोरी डकैती से लेन देन करना चाहता है तो उससे जुड़े हुए हर एक सिस्टम में बदलाव करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि क्रिप्टो की जो भयंकर प्राइवेसी है वो अपने आप में चमत्कार तो है, लेकिन इसी प्राइवेसी की वजह से इसका इस्तेमाल गलत कामों में भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो पेमेंट होती है उसे ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल है कि लेन देन किसके बीच में हुई है। देखिए, ये ठीक बात है कि लेन देन को ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि प्राइवेसी जो है वो क्रिप्टो की एक खासियत है, अहम खासियत है, लेकिन नियम कानून बनाकर इन गलत कामों को रोका जा सकता है और हमारी सरकार इस पर लगी भी हुई है। सोचिए कि अगर स्मगलिंग में गोल्ड का इस्तेमाल होने की वजह से पूरी दुनिया से गोल्ड को बैन कर दिया जाता तो क्या स्मगलिंग रुक जाती। अगला भ्रम है कि लाखों करोड़ों में खरीदना बेचना होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज की टेक्नोलॉजी भले ही टेक्निकल हो, लेकिन उसे खरीदना बेचना कॉइनस्विच कुबेर ने बेहद आसान कर दिया है और उसे खरीदने बेचने के लिए बहुत ज़्यादा धन दौलत की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप कॉइनस्विच कुबेर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फिर अपनी KYC डालिए, रजिस्ट्रेशन करिए, दो दो तीन तीन क्लिक पर फिर क्रिप्टो की ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। और वो 100 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं, मतलब बिटकॉइन की कीमत, एक बिटकॉइन की कीमत भले लाखों रुपये में हो, लेकिन आप 100 रुपये से उसका एक छोटा सा हिस्सा जरूर खरीद सकते हैं।
भ्रम नंबर चार ये है कि क्रिप्टो को लेकर करेंगे क्या, उसका कहीं इस्तेमाल ही नहीं होता। देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, पेपाल, अमेजॉन, हाईकार्ट, सूर्यवंशी रेस्टोरेंट, जो कि क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट एक्सेप्ट करती हैं। हाल ही में ट्विटर ने भी बिटकॉइन में टिपिंग अलाउ किया है, जिससे लोग अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर को बिटकॉइन में टिप दे सकते हैं। हाँ, ये बात है कि क्रिप्टो के दामों में होने वाले जो बदलाव हैं वो उसके लेन देन में रोड़ा बनते हैं, लेकिन उसके लिए भी क्रिप्टो करेंसीज अलग से आ गई हैं, जिन्हें स्टेबल कॉइन कहते हैं, जैसे यूएसडी कॉइन है, टीथर है, इनके दामों में स्थिरता लगातार बनी रहती है। अगर आप स्टेबल कॉइन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने पहले से ही वीडियो बनाई हुई है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। अगला भ्रम है कि क्रिप्टो जुए जैसा है, पल भर में अमीर, पल भर में फकीर बन सकते हैं। देखिए मित्रों, शेयर मार्केट जब आया था तो उसमें भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को इसी तरह से देखा जाता था, लेकिन बाद में समझ आया कि ये तो कंपनी की परफॉर्मेंस से लेकर उसके विजन, फिलॉसफी, प्रोडक्ट, मुनाफे और उसमें काम करने वाले लोगों जैसी तमाम चीजों पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही क्रिप्टो के साथ है, जो कि एक तरह की नई एसेट क्लास है, और ज्यादातर बड़ी क्रिप्टो करेंसीज किसी न किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है। जिस क्रिप्टो का विजन और काम वगैरह जितना मजबूत होगा, वो उतनी ही मजबूती से क्रिप्टो मार्केट में डटी रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ जुआ चलता है, यहाँ भी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में उतनी ही स्ट्रेटेजीज लगाई जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि मैंने क्रिप्टो से जुड़े कुछ भ्रम जरूर दूर किए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। और हाँ, क्रिप्टो से जुड़ी बारीक जानकारी के लिए हमने और भी वीडियोस बना रखी है, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और नई वीडियोस मिलती रहे उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजा देना है। चलते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, न कि वैध मुद्रा, इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइन स्विच कुबेर किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।